स्वामी जी, नवरात्रि है क्या? ये ही 9 दिन क्यों? और आज ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए? नवरात्र तो इसको ऐसा समझते हैं कि जब कुछ क्रिएट होता है, जैसे सृष्टि का निर्माण हो, तो उसको उसको उस सृष्टि को कुछ समय चलना चाहिए ना। उसके बाद बेशक से वो एनिहिलेशन की तरफ में चले, लेकिन कुछ समय तो उसको रहना पड़ेगा। जब तक कुछ समय तक वो रहेगी नहीं, पूरी की पूरा ब्रह्मांड जब तक ये सृष्टि रहेगी नहीं, तब तक इसमें जीवन जिस तरीके से हम जानते हैं उसकी संभावना नहीं रहेगी। तो किसी पानी को अगर हम कहीं ऊपर की तरफ में ऊपर उठा देते हैं तो पानी जाएगा कहाँ? वापस नीचे चलेगा। ये प्रकृति है, ये नेचर है इस प्रकृति, ये नियम है इस प्रकृति, इसको सृष्टि का नियम भी कह सकते। तो कोई भी चीज को एक शक्ति के द्वारा अगर हम विस्थापित करते हैं, पानी को आपने ऊपर उठाया तो जोर लगाया होगा ना, और वो वापस उसी जगह पे आ गया। तो जब हम किसी स्थिति को विस्थापित करते हैं तो वो वापस अपनी पुरानी वाली स्थिति में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो क्रिएशन की अगर इच्छा हो जाए, क्रिएशन का अगर हम एक दिशा निर्धारण करते हैं कि हमें यहां जाना है, हमें क्रिएट करना तो अगर वापस एनिहिलेशन, जो वापस अपनी स्थिति पे वापस आने की जो शक्ति है, जो नेचर है, इसको रोकना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। तो जो रिदम, उसे जो लय इस सृष्टि को बना के रखे, क्योंकि हमारी इच्छा है सृष्टि में को बना के अनुभव करने का, तो इस इच्छा की तरफ में जो चीज जाएगी, जो रिदम चलेगा, उसे हम कहते हैं सुर। और इसको खत्म करने की तरफ में जो शक्ति एनीवे चल ही रही है, वो असुर हो गया। तो ये सुर असुर की लड़ाई चलती रहती है ना। पौराणिक कथाओं में देखो तो सुर असुर की लड़ाई चल रही है हर जगह। ये केवल और केवल एक डिपिक्शन है कि जीवन को बना के रखने में ये सुर असुर की लड़ाई चल रही है। ये दोनों का बैलेंस जब होता है तभी जीवन बना रहता है। एक बढ़ जाए, अगर असुर बढ़ जाए तो खत्म हो जाएगा। तो सुर असुर की लड़ाई और सुर असुर आपस में जोर जबरदस्ती करते रहते ना, एक इधर खींचता है, एक इधर खींचता है, इसी को सागर मंथन कहते हैं, इसी को सागर मंथन कहते हैं। और ये सागर मंथन चलता है तो जीवन बनता है। तो अगर हम फिजिकल बॉडी को देखें, फिजिकल यूनिवर्स को देखें, तो इसके पीछे एक एनर्जी यूनिवर्स काम कर रहा होगा, जिसकी वजह से फिजिकलिटी बन के ये विद्यमान है या एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा सागर मंथन है ना, वो ऊर्जा के स्तर पे चलता ही रहता है। तो स्टोरी ऐसे जाती है कि महिष असुर, यानी महिष का मतलब होता बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि जो उसको नापा नहीं जा सकता। तो इतना बड़ा ऑपोजिट फोर्स लग गया, इसका मतलब पूरी सृष्टि अब खत्म हो जाएगी अगर ये असुर
अपोजिट फोर्स लग गया, लेकिन इसको बना के रखना। कभी देवताओं ने कहते हैं, देवता कौन है? ये जो फोर्सेस जिनके जरिए रेगुलेट होते हैं उन्हें को देवता कहते हैं, जिस वजह से ये अलग अलग शक्तियां आपस में नियम बनाती हैं, तो उसे हम देवता कहते हैं। तो देवताओं ने मिलके उसके अगेंस्ट में, उस महिषासुर के अगेंस्ट में एक दूसरी शक्ति क्रिएट की। मगर समझना पड़ेगा कि ये शक्ति जो है ये फेमिनाइन होती, इसीलिए उन्होंने स्टोरी में भी दुर्गा क्रिएट होती है। यहीं से समझना, यहीं से हमें मालूम हो जाना चाहिए कि ये ब्रह्मांड जो है ये शक्ति स्वरूप है, ये फेमिनाइन है। अब ये शक्ति ब्रह्मांड को स्थापित करने के लिए है, उसने एक ऑपोजिट फोर्स लगा दिया महिषासुर के, यानी कि वो जो खींच रहा था उसको खत्म कर दिया। मर्दन कहते हैं इसको, मर्दन का मतलब होता है उसकी शक्ति को रोक देना। तो महिषासुर की शक्ति को दुर्ग और दुर्गा शक्ति ने रोक दिया, और इसीलिए ब्रह्मांड विद्यमान, इसीलिए हम पैदा हो पा रहे हैं। अगर कोई ना कोई शक्ति अवेलेबल है ब्रह्मांड में या पृथ्वी पे, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो क्लियरली साइंस कह रहा है कि हर शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर शक्ति को भी हम इस्तेमाल करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन अभी जो रिसर्च चल रहा है वो बहुत लिमिटेड आयाम है। आप इन शक्तियों का इस्तेमाल और भी ज्यादा प्रोफाउंड तरीके से कर सकते हैं अगर इन पे आप अधिकार जमा दें, तो ये आपके लिए काम करता है। तो भारतीय परंपरा में इसको अलग अलग तरीके से यूज करने के मेथडोलॉजी निकाल। तो जब भी आप काम करेंगे तो इन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। सुना भी होगा कि जब युद्ध होता था तो शक्ति प्रहार किया जाता था। ये शक्ति ऐसा नहीं है कि आप धनुष और तीर में चला के चलाते, जरूरत नहीं है धनुष और तीर की, वो एक सिंबलिज्म है। आपकी इंटेंसिटी, सोच से भी ये शक्ति चलती है, और वही आपके जीवन में तो यही हो रहा है ना। आपकी एनर्जी कैसे काम करती है, आप जहां सोचते हैं उस हिसाब से काम करते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके, इसको इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके तरीकों का हमने पता किया। और अभी स्टोरी तो शुरू होती है कि राम और रावण का युद्ध था, और राम ये सोचते हैं कि रावण की कमजोरी क्या है। तब पता चला कि रावण एक बार कैलाश गए दर्शन के लिए, और शिव उन्हें दर्शन देते हैं अर्ध नारीश्वर के रूप में, लेकिन वो शक्ति की तरफ विमुख रहते हैं, यानी उसकी तरफ देखते भी नहीं। इसका मतलब रावण से शक्ति विमुख है, साथ नहीं देगी शक्ति रावण, क्योंकि विमुख आप देख ही नहीं रहे, आपने अधिकार नहीं जमाया, वो आपका सपोर्ट नहीं करेगी। और राम सोचते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति को क्यों ना इनवाइट किया जाए, क्योंकि रावण अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली, क्यों ना सबसे बड़ी शक्ति का आह्वान किया जाए, उनको इनवाइट किया जाए।
कि वो मेरे पक्ष में आया, कि वो मेरे लिए सुमुख हो जाए, और अगर मेरे साथ में शक्ति होगी तो रावण का की पराजय निश्चित। इसीलिए युद्ध से पहले राम महालय अमावस्या से शुरुआत करते हैं और उस शक्ति का आह्वान करते हैं। महालय का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा सुर और रिदम, लय मतलब रिदम, और वो दुर्गा है। पर दुर्गा पृथ्वी पे वाली चीजों पे काम नहीं करती, वो तो ब्रह्मांड के लिए काम करती। लेकिन राम ने अधिकार जताया कि आपको आना होगा, मेरे सपोर्ट के लिए तो आना होगा, और महालय अमावस्या से वो आह्वान करते हैं दुर्गा। तो दुर्गा उसी तरीके से आती है जैसे 9 महीने में एक शिशु गर्भ में पड़ता है और फिर आगे के सालों में वो पड़ता है, क्योंकि कभी भी कोई किसी भी जीवन का पदार्पण होगा तो वो ऐसे ही। तो आज के दिन शैलपुत्री यानी छोटी बच्ची, महालय से वो आती हैं, लेकिन कैसे आती हैं? यही है स्टेप्स, 9 स्टेप्स। श्री राम की वजह से इस समय दुर्गा पृथ्वी पे आती है और उनको बुलाया ऐसे जाता है जैसे उनका घर है, तो प्लीज घर पे तो आ जाओ कुछ समय, मायका है। तो मायके के रूप में आती है। अगर दुर्गा पूजा जो वेस्ट बंगाल ईस्ट इंडिया की तरफ में मनाया जाता है ना, ईस्ट बिहार बंगाल ओडिशा असम दुर्गा पूजा जैसे मनाया जाता है, घर में दुर्गा स्थापित की जाती है जैसे कि दुर्गा अपने मायके में आती, और जब वो मायके से जाती हैं तो वैसे ही रुदन होता है, रोना होता है, दुखी हो जाते हैं, परिवार रोने लग जाते हैं। जब दुर्गा का विसर्जन का समय आता है तो परिवार रोने लग जाता है। वो यही समझते हैं कि हमारी बेटी आई है और अभी चली जाएगी। तो ये समय है जब दुर्गा दरअसल पृथ्वी पे आती है। अगर आप ओपन हैं तो आप उसे महसूस कर सकते, फील भी कर सकते। ये नवरात्र श्री राम की वजह से, ये जो शारदीय नवरात्र में इंटेंसिटी है और जो दूसरी नवरात्र होती है, 2 नवरात्र मेनली मनाए जाते हैं, लेकिन ये तो हर महीने चल रहा है। ये हर महीने ही चल रहा है। जो चंद्रमा के का मंथ देखा जाता है कैलेंडर में, चंद्रमा का जो मंथ होता है उसमें पहले 9 दिन अमावस्या के बाद पहले 9 दिन नवरात्र ही है, और वहां पे शक्ति का प्रदार्पण होता ही है, लेकिन हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होता। ये एक ऐसा समय है जहां पे कि ये हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाता है, क्योंकि एक विभूति ने आह्वान किया, क्योंकि श्री राम ने आह्वान किया। इसीलिए हमारे लिए ये नॉर्मल मनुष्य के लिए एक्सेसिबल हो गया। इस समय आप इसे आप महसूस कर सकते, इसका एहसास कर सकते, इसको अनुभव कर सकते। अगर आप अपने आप को ओपन रखें, अनुभव करें, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस शक्ति से नहीं मिल सकती।